नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय पटेल और आप देख रहे हैं बैतूल जिले का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल ताप्ती अर्जुन। बैतूल अपनी मांगों को लेकर बैतूल के कलेक्ट्रेट रोड पर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम लिखा पोस्ट कार्ड। न्यू बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के बैनर तले स्वास्थ्य कर्मचारी लगातार 8 दिनों से जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र के सामने कलेक्ट्रेट रोड पर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर डटे हुए। कल सोमवार को हड़ताली कर्मचारियों ने अपनी 12 सूत्री मांगे पोस्टल कार्ड पर लिखकर मुख्यमंत्री को पोस्ट की। हड़ताली संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों ने धरना स्थल से पोस्ट ऑफिस तक एक रैली भी निकाली। बैतूल कोतवाली पुलिस ने गौवंश तस्करी के मामले को लेकर 2 आरोपियों को लिया हिरासत में। गिरफ्तारी के बाद दोनों का कल बैतूल के जिला चिकित्सालय में कराया मेडिकल। मेडिकल के बाद दोनों आरोपियों को भेज दिया जेल। बैतूल अर्जुन नगर का मामला। अर्जुन नगर निवासी एक महिला के साथ कलयुगी देवर ने की मारपीट। मारपीट के बाद देवर की भाभी हो गई घायल। घायल महिला पहुंची जिला चिकित्सालय में इलाज कराने। फिलहाल बैतूल के जिला अस्पताल में है भर्ती। बैतूल लिंक रोड का मामला। लिंक रोड पर पैदल चल रहे एक युवक को पीछे से बाइक सवार ने मार दी टक्कर। टक्कर के बाद पैदल चल रहा युवक गंभीर रूप से हो गया घायल। जिला चिकित्सालय में फिलहाल जारी है युवक का इलाज। युवक है गंभीर रूप से घायल। मुल्ताई बोरदई मार्ग पर रेलवे फाटक आए दिन रहता है बंद। मुल्ताई नगरवासी होते रहते हैं परेशान। मुल्ताई विधायक श्री सुखदेव पान से विधानसभा के पटल पर उठा चुके हैं ओवरब्रिज या अंडरब्रिज के संबंध में सवाल। प्रभातपट्टन ग्राम डोहलन में गौतम बुद्ध और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का पूर्व कैबिनेट मंत्री एवं मुल्ताई विधायक श्री सुखदेव पांसे ने किया अनावरण। इस मौके पर उपस्थित रहे कांग्रेसी कार्यकर्ता एवं ग्रामीण। मुल्ताई चक्कर आने से प्लेटफॉर्म पर गिरी युवती। ट्रेन से उतरते समय हुआ गंभीर हादसा। सिर में लगी है युवती को गंभीर चोट। मुल्ताई के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में प्राथमिक उपचार के बाद बैतूल के जिला चिकित्सालय के लिए उक्त युवती को किया गया है रेफर। युवती का नाम प्रवीणा, पिता जगन्नाथ, उम्र 19 वर्ष। मुल्ताई मां ताप्ती सरोवर से लगातार चोरी हो रही है मछलियां। नगर पालिका ने लगा रखा है प्रतिबंध। इसके बाद भी मछलियां चोरी होने की अवैध रूप से गतिविधियां आ रही है सामने। मां ताप्ती सरोवर में मछली पकड़ने पर नगर पालिका के द्वारा प्रतिबंध लगा कर रखा गया है। इसके बाद भी मछलियां चोरी होने का मामला सामने आया है, जिसके बाद मां ताप्ती के भक्तों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। मां ताप्ती ब्रिगेड के युवाओं ने सरोवर पर होने वाली अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाने की मांग को लेकर मुल्ताई विधायक श्री सुखदेव पांसे को आवेदन सौंपा है। साथ ही युवाओं ने अवैध रूप से गतिविधियां संचालित करने वालों का पता लगाकर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। मुल्ताई नगर पालिका के नियमित कर्मचारियों के वेतन से एनपीएस की काटी जा रही है राशि, लेकिन जमा नहीं हो पा रही है राशि। बीते 5 महीने से एनपीएस की राशि जमा नहीं होने पर कल सोमवार को नपा कर्मचारियों ने जताई नाराजगी। नपा अध्यक्ष नीतू प्रहलाद परमार को सौंपा आवेदन। आमला हरदोली गांव में आपसी विवाद के चलते 2 लोगों ने बांस के डंडे से एक युवक की कर दी पिटाई। पीड़ित युवक पहुंचा आमला थाने, शिकायत कराई दर्ज। आमला नाहिया के पास का मामला। नाहिया के हनुमान मंदिर के पास
एक बुलेरो कार और टैंकर में हुई जोरदार टक्कर। टक्कर के बाद बुलेरो चालक हुआ घायल, वहीं वाहन हो गए क्षतिग्रस्त। शाहपुर में विधायक निधि से 8.5 लाख रुपए की लागत से बने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का कल विधायक ब्रह्मा भलावी ने किया लोकार्पण। इस दौरान उद्बोधन में लोगों से मांगा सहयोग। घोड़ा डोंगरी सालीडाना गांव में सरपंच से मिलने जा रही एक महिला से दूसरी महिला ने कर दी मारपीट। मारपीट के बाद घायल हो गई महिला। घायल महिला पहुंची पुलिस थाने। पुलिस ने कराया अस्पताल में उक्त महिला का मेडिकल। चिचोली नगर के महाराणा प्रताप वार्ड सहित अन्य वार्डों में मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान का जमकर किया जा रहा है प्रचार। मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान के अंतर्गत कल अध्यक्ष ने वार्डवासियों की सुनी समस्याएं, मौके पर निराकरण का किया प्रयास। आठनीर अपर कलेक्टर की उपस्थिति में ग्राम हिवरा में कल विशेष ग्राम सभा का हुआ आयोजन। इस दौरान मंदिर समिति का किया गया गठन। बड़ी संख्या में ग्रामीण भी रहे उपस्थित।